तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि दादी माँ और फिर मम्मी किन्नी अच्छी तरह से मतलब चिकन साफ कर रही है। तो अभी मतलब दादी माँ पीस पीस भी करने वाली है, जब तक ये साफ हो रहा है तब तक आप लोग देख ही सकते हैं किन्नी अच्छी तरीके से मतलब साफ हो रहा है, और देख ही सकते हैं बहुत सारे हैं मतलब। और अभी दादी माँ मतलब काट रही है चिकन को, कितनी अच्छी तरीके से काट रही है आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी मम्मी मतलब अच्छी तरीके से साफ कर रही है जगहों को, मतलब चिकन मतलब जो मतलब हम लोगों ने मतलब गंदे निकाले थे, तो देख ही सकते हैं चिकन कितना अच्छा लग रहा है मतलब। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले राजमा करी रेसिपी, तो बहुत टेस्टी होता है गाइस। और मम्मी अभी चिकन मतलब रोस्ट करने वाली, नमक भी लगा रही है गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस अभी मतलब दादी माँ मतलब राजमा कुकर में रख रही है ताकि इसको हम लोग बॉईल कर पाए। तो गाइस अभी इसको हम लोग आग पे तो नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग राजमा को हम लोग मतलब गैस पे रखने वाले हैं ताकि आग पे तो जल्दी नहीं होने वाला है, इसलिए। अभी दादी माँ पानी डाल रही है। तो दादी माँ अभी ले जा रही है, देख ही सकते हैं, तो गैस में रखने वाले है दादी माँ। तो हो गया है गाइस, देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से। तो गाइस अभी हम लोगों का चिकन लेग पीस हो गया है, रोस्टेड चिकन लेग पीस। और गाइस मतलब मम्मी मतलब काट रही है प्याज कितनी अच्छी तरीके से, और गरम गरम कढ़ाई में प्याज और फिर साथ में चिकन, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मी अभी मिक्स कर रही है। और गाइस मतलब ये है मसाले का पट्टा, और ये डालने से इंग्रेडिएंट्स और फिर साथ में रेसिपी जो होता है ना बहुत टेस्टी हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी ने इंग्रेडिएंट्स डाला है कितने अच्छी तरीके से, देख ही सकते हैं, और कितना कलर कितना अच्छा लग रहा है गाइस। तो मम्मी भाई अभी चिप्स खा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आज का मतलब रेसिपी जो होने वाला है ना बहुत मतलब डिलीशियस, बिकॉज वो है कि मतलब दो रेसिपी बनने वाला है, और एक तो होने वाला है चिकन रेसिपी और एक तो है होने वाला है राजमा करी। तो गाइस देख ही सकते हैं मतलब यहाँ पर जो कुकर है ना, तो इसके अंदर मतलब राजमा मतलब बॉईल करके रखा है, तो बाद में इसका हम लोग बनाने वाले हैं करी। तो अभी के लिए मतलब मम्मी बना रही है चिकन, देख ही सकते हैं कि चिकन कितना अच्छा लग रहा है, और नीचे का चिकन लग पी। तो गाइस और नीचे वो जो चिकन चिकन रखा गया है ना चिकन लेग पीस, और वो है मेरे भाई के लिए। तो मतलब मम्मी ने बोला कि मतलब पापा का है, पापा का है, मेरे भाई का मतलब बर्थडे मनाया है, इसलिए वो कब से बोल रहा है कि पापा का तुम्हारा। गाइस आप लोग वीडियो देखते जाना। तो गाइस अभी चिकन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं, कितना मसालेदार कलर, तो देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है मतलब। और मतलब राजमा हो गया है, बॉईल करके लेके आई थी दादी माँ मतलब। और अभी मम्मी मतलब प्याज काट रही है। गरम नहीं हुआ है कढ़ाई मतलब, तो इसलिए मतलब मम्मी प्याज इंग्रेडिएंट्स मतलब काट रही है। तो देख ही सकते हैं राजमा कितना अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, और मतलब गाइस देख ही सकते हैं मैं खुद को ही मतलब देख रही हूँ कैमरा में। कितना अच्छा लग रहा है गाइस। और अभी मतलब मम्मी ने तेल कढ़ाई में डाला है, देख सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम लोग सब कुछ डालेंगे गाइस। और मम्मी मतलब मिक्स कर रही है।
तो मम्मी अभी मिक्स कर रही है किन्नी अच्छी तरीके से। तो मतलब प्याज डाल दिया है मम्मी ने और थोड़ी देर बाद हम लोग रस मम्मी डालने वाले हैं। मसाला मम्मी ने डाला, अदरक लहसुन ये सब सब कुछ, और रसमा आ गया है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इंग्रेडिएंट्स सब कुछ डाला है और रसमा कितना अच्छा लग रहा है, और कलर तो देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कलर के साथ में रसमा कितना टेस्टी होने वाला है, वो भी चिकन के साथ कितना अच्छा लगेगा। और मम्मी ने अभी हल्दी डाला है देख ही सकते हैं, और पापा ने पानी। तो अभी मतलब मम्मी मसाले का पट्टा काट काट के अभी रसमा में डालने वाली है। तो अभी मम्मी ने ढक्कन खोला, वाओ गाइस उबलते हुए कितना अच्छा लग रहा है, और साथ में मसाले का पट्टा, और मसाले का पट्टा देने से मतलब रसमा का टेस्ट खुशबू बहुत अच्छा लगता है गाइस, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सकते पट्टा देने के बाद कलर रसमा करी मतलब हो चुका है, तो देख ही सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। तो गाइस ये जो रसमा करी हम लोगों ने बनाया है ना, वो चिकन के साथ हम लोग खाने वाले हैं, मतलब कितना डिलीशियस लग रहा है। मतलब दोनों की रेसिपी धमाकेदार है और वही हम लोग के साथ खाने वाले, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। तो गाइस अभी मम्मी मतलब दूसरे कढ़ाई में डालने वाली है रसमा को। मतलब ये जो कढ़ाई है ना, मतलब पीछे में मतलब कोयला लगा हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, अंडर का मतलब अलग होता है। तो फ्रेंड्स मतलब ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।